हे एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद वर्षा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम ये लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर ब्लैक साड़ी पहनना चाहें या सूट पहनना चाहें किसी पार्टी फंक्शन या छोटे मोटे फंक्शन के लिए, हम इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, सिंपल सा है। तो चलो मैं यही लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी कैसे हम कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट को यूज़ करके हम ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़, अगर मैं आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का फेस सीरम। ये सीरम है नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप्स के लिए। तो मैं इसको लूँगी और थोड़ा थोड़ा दो बूंद करके इसको पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। इससे काफ़ी ग्लॉसी सा फेस हो जाता है, अच्छा है यूज़ करने में। और इसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैं बताऊँगी उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पूरे फेस पर। उसके बाद मैं यहाँ पर आई मेकअप करूँगी सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर कंशीलर यूज़ किया है, तो पूरे आई एरिया, अंडर आई एरिया और अपर आई एरिया पे मैं इसको यूज़ कर लूँगी और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। और मैंने यहाँ लिया है कॉम्पैक्ट लैक्मे एब्सोल्यूट का, तो मैं अंडर एरिया में इसको अच्छे से सेट कर दूंगी कॉम्पैक्ट को, ताकि मेकअप करते टाइम फैले ना ये। और मैंने आई एरिया को पूरा कवर कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ कलर क्वीन का वो आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर लूँगी और इसको क्रीज लाइन से लेते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्टॉक ना दिखे। दोनों आईज में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ब्लैक सूट कैरी किया है, तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। तो इसको साइड से अच्छे से ब्लेंड करते हुए उसी में ब्लैक कलर कर लूँगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा शाइनी गोल्डन कलर लिया है और जो फ्रंट एरिया है उस पर अच्छे से फिंगर की हेल्प से उसको लगा लेंगे और ब्रश से पूरा ब्लेंड कर देंगे, ताकि एकदम से ब्लैक आईज ना दिखें, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादा डार्क सारा कुछ हो जाए। तो मैं इसमें दो सेट दूँगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए। और यहाँ पे मैं जो कॉर्नर है उसको हाईलाइट करूँगी वाइट कलर से। यहाँ आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पेंसिल आईलाइनर, स्केच आईलाइनर है। ये काफ़ी अच्छा है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है लगाने पे, काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप लेना चाहें तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैं दो तीन यूज़ कर चुकी हूँ इसको, तो मैं बार बार यही ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और ईज़िली भी है लगाना। अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने लोकल शॉप से ही इसे परचेज किया था। ऑनलाइन देखूंगी, अगर मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक। और मैं आज बॉर्डर लाइन कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक ब्लैक एकदम से अच्छा नहीं लगेगा, तो बॉर्डर लाइन खाली रहेंगी। और यहाँ मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। दोनों आँखों में अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दो कोट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ सिंगल कोट ही किया है।
सॉरी, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो मैं फेस पे यहाँ फाउंडेशन यूज़ करूँगी। यहाँ मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो इसको पूरी फेस पर अच्छे से टिप टिप कर देंगे और नेक पे भी कर देंगे कि ताकि कलर कॉम्बिनेशन चेंज ना हो, और ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं वही लेग में एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी पूरे फेस पर अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आई एरिया को छोड़कर वो तो मैंने पहले से ही कर ली है ना अच्छे से। तो मैं आईब्रो फिल पहले नहीं की थी, क्योंकि ये यूज़ करना था फाउंडेशन, तो मैं यहाँ पर आईब्रो फिल कर लूँगी अच्छे से। और मैं इसमें ब्राउन कलर आई शैडो पैलेट से ही लेके कर रही हूँ, ये अच्छा आता है इससे। इसके बाद मैं करूँगी पिंक कलर से अपने चीक्स को हाईलाइट। हल्का सा पिंक कर दिया है, उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो ये जो हाइलाइटेड एरिया है जहाँ मैं करना है चीक्स पर और नोज़ पर, और जो हाइलाइटेड एरिया किए जाते हैं उस पर मैं यूज़ कर लूँगी। और अभी यहाँ रह गई है लिपस्टिक, तो यहाँ जो मैंने आपसे शेयर की थी ये मिनी लिपस्टिक्स का सेट, तो इसमें से मैं डार्क महरूम कलर यूज़ करूँगी, ये अच्छा लगेगा ब्लैक सूट पर, अच्छा जाएगा, रेड भी कर सकते हैं, यहाँ मैं डार्क रेड यूज़ कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, तो इसको मैं मैट फिनिश देने के लिए थोड़ा सा लिप्स पर टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर दूंगी, तो ये मैट फिनिश देगा और ये निकलेगा भी नहीं। और यहाँ मैं ब्लैक बिंदी यूज़ कर रही हूँ, अच्छी लगेगी, अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहें ना करें। और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, तो मैं अपने इयररिंग्स भी कैरी किए लेती हूँ। और मैं बालों को ओपन ही रखूँगी, कोई भी स्टाइल नहीं करूँगी, अच्छे लगते हैं सूट पर ओपन हेयर। और ये सिंपल है, और अगर आप चाहें तो गले में भी कोई नेकलेस यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ब्लैक कलर का रखा हुआ था, तो ये इस तरह का लगेगा, सिंपल भी अच्छा लग रहा था, अगर आप गले में कुछ ना पहने तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने दोनों टाइप से आपको दिखा दिया है, तो ये मेरा कंप्लीट है लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करना और कमेंट भी करना कि कैसे कैसा लगा आप लोगों को। ख़त्म करती हूँ, अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।